यहाँ पे, और भैया लोग यहाँ पे बैठा हुआ है फुल एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ में पूछू, यहाँ में भैया भी नहा रहे हैं, अभी मैं भी नहाने के लिए जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी मैं जा रहा हूँ परशुराम कुंड, सरप्राइज। मतलब मैं भी शौक हो गया हूँ, मतलब दोस्त कॉल किया था और भैया भी, तो बोला परशुराम कुंड जाएगा अभी। वो भी आपका अराउंड 11 बज रहा है अभी, तो होगा चलो बोल के बोला, तो बोला तब तो चलो रेडी हो जाओ बोल के। तो अभी 10 मिनट्स हो गया, रेडी हो गया। वो लोग अभी नमसाई पहुंचने वाला है, तो मैं भी उन लोगों के साथ में निकल जाऊंगा। आज का ब्लॉग परशुराम कुंड में क्या है क्या नहीं है और रास्ता कैसा है देखते हैं, और वही सब आपको दिखाएगा जितना हो सकता है आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, फाइनली भैया भी पहुंच गया है यहाँ पे हमको पिकअप करने के लिए। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भैया है और यहाँ पे पूछू, और हम लोग जा रहे हैं अभी। और ये भैया का गाड़ी आप लोग देख सकते हो, बहुत मस्त लग रहा है ना। और ड्राइविंग में बैठा हुआ है भैया और यहाँ पूछू, और यहाँ भी आप लोग देख सकते हो पूरा मस्ती में है पूछू। और यहाँ में पूछू, ये जगह को बोला जाता है कमला। और मतलब जो नेचुरल जो कन्वर्सेशन था भैया और मेरा और पूछू का, वो जो हटाना पड़ गया, मतलब मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। क्यों, पूछू गाना बजा रहा था तो उसमें कॉपीराइट, मतलब 2 times कॉपीराइट लग गया। मतलब मन में इतना ख़राब लग रहा है, क्या बोलेगा। और भैया जो यहाँ पे हमको दिखा रहा था फर्स्ट टाइम, जब वो तेजू की तरफ से परशुराम कुंड आया था तो कैसा करके वो पहुँचा था बोल के, और ये आप लोग आगे देख सकते हो, ये परशुराम कुंड का ब्रिज। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इतना फ्रेश वाटर, पानी का कलर आप देखिए, बहुत डीप है बोला ये पानी जो ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है यहाँ का एनवायरनमेंट, और बहुत ठंडा, बहुत पीस। वो है ना भैया, और आपका कुंड जो है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से ऐसा चढ़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो है कुंड आपका परशुराम कुंड। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे और भैया है ड्राइविंग में। भैया सुंदर सुंदर जगह दिखाएगा बोल रहे हैं, क्योंकि भैया एक्सपीरियंस होल्डर है ना, 5 times आ चुका है बोला। पूरा बाहर मतलब एकदम आज हम ऐसे ऐसा लगी है ना। जस्ट थोड़ा देर पहले बोल रहा था भैया जो एक अच्छा जगह अच्छा व्यू पॉइंट दिखाएगा बोल के बोल रहा था, जो भैया ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका था पहले। भैया वहाँ पे बहुत इमरजेंसी में है वो अभी। और वो जगह मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये प्लेस बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम लोग जस्ट अभी वो नीचे में था ब्रिज जो वो नीचे में है, जस्ट लाइक हेवन। और यहाँ में फोटोशूट चल रहा है फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए ये प्लेस को विजिट करने के लिए। ब्रिज से
1 किलोमीटर आपको ऊपर की तरफ आना है। आप लोग देखिए, भैया बोल रहे हैं अभी और एक जगह दिखाएगा, मतलब एंगल जो बहुत सुंदर आता है बोला वहाँ से, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। आप लोग बने रहिए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अगर हाईलॉन्ग उसके बाद में वालोंग हवाई की भी तो अगर जाना है तो तेजू से आप लोग का रास्ता थोड़ा ज़रा दूर हो जाएगा। उससे अच्छा है और बेहतर है कि आप आइए चोखम परशुराम कुंड होके, जो अभी हम लोग जस्ट ये रास्ते से नीचे वाले से, यहाँ से ये वाला रास्ता हो जाएगा आपका तेजू के तरफ से, जो ज़रा दूर हो जाएगा। अब इस वाले रास्ते को ज़रा प्रीफर कीजिए, ये थोड़ा सामने में है और जाएगा आपका इस साइड में, अगर आपको जाना है हाईलॉन्ग साइड में और किबितू। आप जब भी विज़िट करने के लिए आएंगे फ्रेंड्स, आपका ये वाला पॉइंट जो है आपका 0 पॉइंट मान सकते हो, और ये वाला प्लेस को आप मिस मत कीजिए। ये वाला और यहाँ से बहुत नीचे है वो पानी, आप देख सकते हो बहुत नीचे। मुझे भी डर लग रहा है ज़रा पास जाने के लिए, क्योंकि मैं जस्ट बगल पे ही खड़ा हूँ, देख सकते हो वो नीचे पानी, मैं जस्ट बगल पे हूँ। हम लोग का वाहन रेडी है, अभी निकलना है हमें भी। हम लोग गाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हो, वो बहुत डेंजर, बहुत डेंजर, मुझे भी डर लग रहा है। भैया को तो बोल रहा हूँ आप भी रास्ता देखिए, साथ में मैं भी देखता हूँ, लेकिन भैया का ड्राइविंग में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। और यहाँ पे दो दो थार आया हुआ है, बिहार रजिस्ट्रेशन। कृपया करके यहाँ पे जो भी ड्राइविंग करेगा प्लीज आप ड्रिंक करके मत ड्राइव कीजिए, क्योंकि बहुत सिंगल वे रास्ता है, बहुत छोटा रोड है, और बी केयरफुल चलाते समय, आपका माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके चलाना होगा। इसमें माइंड अगर डाइवर्ट हो गया तो सब कुछ डाइवर्ट हो जाएगा, दुनिया से डाइवर्ट हो जाएगा। ये हम लोग का डायलॉग है, पूछू दुनिया से डाइवर्ट हो जाएगा बोल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नदी, भैया बोल रहे हैं नदी लेके जाएगा, बोल के नदी जाने के लिए आपको ये रास्ते से आना पड़ेगा, ब्रिज का बगल से ये रास्ता आपका। हम लोग फर्स्ट टाइम कुछ निकले आते हैं, कहते हैं নিজে জাম লেগে নি উলাইছো হ আইছো রাস্তা আছে কি না আগত ভাইয়া এসা কোন সা জায়গা মে লা দিয়া হে ইয়া পে রাস্তা হস্তা কুছ ভি নি হে আপ দেখ সকতে হো লেকিন ভাইয়া বোলা রাস্তা হে ইয়া মে ইয়ে ভাইয়া ভি আ রহা হে ইধর সে রাস্তা দিখাই নি দে রহা হে আপ দেখ সকতে হো রাস্তা দিখাই নি দে রহা হে हम लोग का गाड़ी भी आ गया। यहाँ में दो रास्ता है, जो ब्रिज है ब्रिज के ऊपर तरफ में आपका परशुराम कुंड नीचे जाने में है, उसका जो इस व्यू पॉइंट में अगर आपको आना है तो ब्रिज का आपका लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से नीचे जाने वाला रास्ता, उस साइड से आने से आपको ये पोजिशन मिलेगा। अगर ऊपर तरफ जाएंगे तो परशुराम कुंड जस्ट दोनों लेफ्ट एंड राइट में है, और दोनों अच्छा जगह है आपको टाइम पास करने के लिए, और यहाँ बैठने के लिए भी ये जगह देख सकते हो, बहुत सुंदर है ना, पूछो दुनिया जगह ना, एकदम ऑसम प्लेस। भैया आप कहाँ लेके जा रहे हैं, रास्ता रास्ता कुछ भी नहीं है, जंगल जंगल ट्रैकिंग ट्रैकिंग आज फुल ट्रैकिंग आज आज। भैया थोड़ा चर्बी घटाएगा हम सब का, ऐसा लग रहा है हम लोग को, फुल ट्रैकिंग। अब लोग देख सकते हो रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, तो मार ले था। मतलब टोटली फ्रेश, यू नो फ्रेंड्स, टोटली फ्रेश, मतलब यहाँ पे ना आपका गाड़ी का साउंड है ना कुछ कुछ भी नहीं, और पोल्यूशन तो जीरो है, पोल्यूशन ही नहीं है।
ओनली नेचुरल। और हम लोग का आदत है हवा में गाड़ी का गंध होना है, पेट्रोल का गंध, डीजल का गंध, एटमॉस्फेयर हम लोग का वहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ पे है आपका टोटली फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर। आप पानी का कलर देख सकते हो, वो आगे आगे जा रहा है भैया, ये पुचू। और सबसे लास्ट हम बस सांस खुल रहे चलते चलते, हाथ और दर्द हो गया, पैर भी दर्द हो गया, लेकिन ये जगह को कैसे मिस कर सकता है। भैया बोला बहुत स्पेशल जगह लेके जाएगा, बहुत सुंदर है बोला। लेट्स वाई अभी तो ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा सा नहाऊंगा अभी, शायद कपड़ा तो लाया नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ नहाने के लिए। वाओ वो ब्रिज जहाँ से हम लोग आए हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैं भैया भी नहा रहा है, अभी मैं भी नहाने के लिए जाऊँगा। मतलब नहाने के लिए आपका ऐसा है, आगे भी नहा सकता था, बट आगे मतलब एज ए हिंदू ट्रेडिशन, मतलब वहाँ पे मतलब जिसका माँ पिताजी है वो लोग नहीं नहा सकते हैं, तो वहाँ पे नहीं नहाऊँगा, जस्ट अभी हम लोग नीचे में नहाऊँगा। तो नीचे में तो नहा सकता हूँ, थोड़ा सा जो पाप है वो थोड़ा सा धुल जाएगा होगा, ज़्यादा तो नहीं धुलेगा, थोड़ा सा धुलेगा होगा। ऐसे तो ऊपर जो स्पॉट है जो आपका परशुराम कुंड बोला जाता है, वहाँ में नहाने के लिए दिल था, लेकिन वहाँ में नहीं नहा सकता है बोल रहे। ऊपर से मेरा तो पापा नहीं है, मम्मी है, जब तक मम्मी है तब तक तो नहीं। और आप लोग देखिए मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ। माय गॉड बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। बहुत ठंडा पानी, यहाँ में भैया और यहाँ में हम, बहुत ठंडा है पानी, पूरा बर्फ पानी हुए। मतलब अगर ऐसा लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं, अब जब भी आओगे यहाँ में परशुराम कुंड आप एक बार पानी को छू के देखो, बहुत ठंडा है पानी, पूरा डुबकी लगाना था, हाथ में फोन है तो मैं डुबकी नहीं लगा पाऊंगा, आधा तक नहा लिया हूँ, इतना काफ़ी है, बहुत ठंडा है पानी, पैर वेर पूरा जम गया मेरा। शाम का माहौल आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, एकदम शाम हो गया है। यहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ वो ब्रिज में, एक बार जाऊंगा ब्रिज वहाँ पे है, वो वहाँ में ब्रिज है, ब्रिज में एक बार जाऊंगा, उसके बाद घर चलते हैं। यहाँ से अभी अंधेरा है, थोड़ा टाइम लगेगा घर पहुँचने के लिए, 3-4 घंटा लगेगा होगा। अब ब्रिज में पहुँचने के बाद वहाँ पे फिर प्रोग्राम क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तक जो प्रोग्राम है वहाँ से घर निकलने का प्रोग्राम है, उसका भैया कहाँ लेके जाएगा मालूम नहीं है। वहाँ से फिर स्पॉट है बोल रहा है एक दो, देखते हैं। अंधेरा होते जा रहा है, वो लोग दोनों आगे जा रहा है, मैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए, मैं भी चल रहा हूँ। अभी पूरा रात हो चुका है, अभी निकल रहे हैं हम लोग, दिन को तो आ गया, अभी रास्ता मालूम नहीं, अभी हम लोग का उस्ताद को ही मालूम होगा कैसा करके रास्ता वो ढूंढेगा। रात का माहौल परशुराम कुंड का बहुत डेंजर, हवा चल रहा है, जहाँ से हम लोग आया है वो नीचे से आया हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का गाड़ी, अगर आप लोग परशुराम कुंड आते हो तो ये ब्रिज का एक्सपीरियंस आप लोग लीजिएगा, रात का बहुत तेज़ी का हवा चलता है, वो भी ठंडा ठंडा हवा। अभी विंटर आया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैकेट की ज़रूरत है जैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत ठंडा लग रहा है, ऊपर से नहा भी लिया हूँ मैं नीचे। ये है आपको परशुराम कुंड का ब्रिज, वहाँ पे है परशुराम कुंड और मैं यहाँ पे हूँ। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अंधेरा भी अंधेरा हो गया है, लाइट आ रहा है, लाइट में बोलता हूँ आप लोग को, आज का वीडियो मैं यहीं में ख़त्म करता हूँ।
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा, और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत अंधेरा हो चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आप लोग को।